गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 17-18 की GSTR 3B से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट और एक बहुत ही अच्छी अपडेट के विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि काफी लोगों को जो है इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एनुअल रिटर्न में भी काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि GSTR 3B 17-18 के अंदर क्या अपडेट, क्या वो जजमेंट है जो कि निकल के आ रहा है, जो कि आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन जो है वो दे सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे GSTR 3B 17-18 को रिवाइज कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमने 17-18 की GSTR 3B फाइल कर दी है उसके अंदर अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको क्या रिवाइज करने का ऑप्शन हम लोगों को मिल सकता है? कोर्ट का जजमेंट एक आया है जिसमें काफी अच्छी तरीके से इस चीज को अलाउ किया गया है कि अब जो है GSTR 3B 17-18 का मैनुअली फाइल किया जा सकता है। क्या है वो सारा केसेस, क्या उसका जजमेंट है, क्या उसके अंदर सिचुएशंस बन के आ रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है उस पर्टिकुलर केस से, उसका फैक्ट ये है कि वाइल फाइलिंग GSTR 3B ITC ऑन परचेज ऑफ गुड्स वॉज रॉन्गली शोन अंडर द हेड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ ऑल अदर ITC कॉलम। ये वाली मिस्टेक जो है 90% लोगों की हुई है, क्योंकि GST जब नया नया लागू हुआ था उस टाइम पे GSTR 3B का जो फॉर्म आया था उसको भरने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को आ रही थी। इस वजह से हुआ क्या, इस प्रेजेंट केस के अंदर जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो इनवर्ड सप्लाई पे आना चाहिए था, उसके अंदर कॉलम जो है जहां पर ITC का टेबल है वो ऑल अदर ITC के कॉलम में ना डाल के ITC का अमाउंट जो IGST का था उसको वहां पर डाला गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाले कॉलम के अंदर। अब यहां पर यह मिस्टेक होने के बाद जब एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो वहां पे परेशानी आ रही थी। आगे यहां पर क्या निकल के आ रहा है, जो दूसरा पॉइंट निकल के आया है वो बताया गया कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 अलाउज द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स इन GST रिटर्न्स इन द मंथ और क्वार्टर इन विच द मिस्टेक हैज बीन आइडेंटिफाइड। और दूसरी तरफ से ये बताया गया कि सेक्शन 39 का सब सेक्शन 9 जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये कहता है कि आपकी अगर GST रिटर्न में कुछ गलती हो गई है तो आप अपनी GST रिटर्न के अंदर उस मिस्टेक को या उस ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं जिस महीने आपने अपनी गलती को पकड़ा या आपकी ओमिशन जो है वो पकड़ी गई। एक बार हम लोग देखते हैं सेक्शन 39 का सब सेक्शन 9 क्या बात करता है। ये है हमारे पास सेक्शन 39 का सब सेक्शन 9। ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38 इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 और 4 और सब सेक्शन 5 तो हमारा जो प्रेजेंट केस है वो फॉल कर जाएगा सब सेक्शन 1 के अंदर, क्योंकि सब सेक्शन 1 के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर्स को GST रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 फाइल करना होता है। डिस्कवर्स एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देयर इन अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बाय द टैक्स अथॉरिटीज। मतलब अगर आपको खुद से यह पता लगा कि आपकी कुछ एरर हो गई है या कुछ इनकरेक्ट पर्टिकुलर चला गया है या कुछ ओमिशन चला गया है, आपकी रिटर्न के अंदर कुछ गलती हो गई है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर इन द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ और क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आर नोटिस्ड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 39(9) का हवाला दिया गया वहां पे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के द्वारा कि सेक्शन 39(9) का यूज करते हुए जो पर्टिकुलर केस के अंदर गलती हुई थी उसको ठीक किया जा सकता था। आगे प्रोविजन में बताया गया इसी सेक्शन के कि प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स शैल बी अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर और सेकेंड क्वार्टर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और लास्ट डेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर का महीना आएगा उस सितंबर के महीने की रिटर्न तक जो है उस रेक्टिफिकेशन को ठीक किया जा सकता है, उस गलती को ठीक किया जा सकता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि चूंकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 39(9) को यूज नहीं किया और उसने अपनी गलती जो है वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं करी है, इसीलिए अब वो गलती ठीक नहीं की जा सकती है, अब उसका कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया।
आगे हमें बताया गया, नाउ द जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट इज कोटेड इन विच इट वॉज हेल्ड दैट जीएसटीआर 3B इज नॉट अ रिटर्न इन लियो ऑफ जीएसटीआर 3B एज पर द रूल्स। अब यहां पे जो पिटिशनर था उन्होंने ये बोला कि गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो आपकी जीएसटीआर 3B के बदले में लाई गई रिटर्न नहीं है एज पर द जजमेंट, जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली ये बताया था कि जिसमें ये बताया गया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मसला था कि आईटीसी अगर हमने क्लेम नहीं किया है तो क्या अभी हम लोग क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस केस के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उस जजमेंट के बारे में तो उसे जरूर रेफर कीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया जाएगा। यहां पर ये सिर्फ ये इसका हवाला दिया गया कि जीएसटीआर 3B जो है जीएसटीआर 3 के बदले में रिटर्न जो है उसको नहीं माना जा सकता, इसीलिए सेक्शन 39 का सबसेक्शन 9 जो है इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई नहीं होगा। अगला जो पॉइंट निकल के आया, फर्दर केरल हाई कोर्ट आल्सो परमिट्स फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। और इसी तरीके से केरल हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर यह अलाउ किया था कि अगर आपकी लाइबिलिटी दूसरे हेड की किसी तीसरे हेड में चली गई है तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपका करेक्ट हेड दिया गया है। इन दो कोर्ट्स के जजमेंट को यूज किया गया है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। Thus, the present situation is not falling under section 39(9) of the GST Act. इसीलिए इन दोनों जजमेंट्स के हवाले को देते हुए ये बताया गया कि जो present rectification है ये सिर्फ और सिर्फ section 39(9) के अंदर कवर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे clerical mistakes का कोई भी ऑप्शन नहीं है रेक्टिफाई करने का। अब जो लास्ट पॉइंट निकल के आ रहा है जिसमें कोर्ट ने फाइनली जो बताया है इंटरिम ऑर्डर दिया है, इंटरिम रिलीफ बताया है कि द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस एज अ इंटरिम ऑर्डर हेल्ड दैट जीएसटीआर 3B हैज टू बी रेक्टिफाइड फॉर द मंथ्स इन विच द मिस्टेक्स वाज ऑकरिंग एंड इट इज टू बी डन मैन्युअली एंड द प्रोसेसिंग टू बी डन एज पर द रेक्टिफाइड स्टेटमेंट्स। तो कोर्ट ने एज अ इंटरिम ऑर्डर एज अ इंटरिम रिलीफ जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक पिटिशनर को ये अलाउ किया गया कि जीएसटीआर 3B जो आपकी 17-18 की गलती हो गई है आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं और आप अपनी जीएसटीआर 3B जो है मैनुअली फाइल कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट को ये बताया गया कि अगर डिपार्टमेंट के पास मैनुअल सबमिशन आता है जीएसटीआर 3B का तो आगे जो भी प्रोसेसिंग होगा वो काउंट करना होगा आपको जो जीएसटीआर 3B का मैनुअल फाइलिंग आया है उसके बेसिस पे, ना कि जो डेटा ऑनलाइन गया है और जिसमें गलती हो रखी है। तो ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है प्रेजेंट केस में उस पेटिशनर को जिसने कि ये बताया कि मेरी जीएसटीआर 3B के अंदर गलती हो गई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है कि जीएसटीआर 3B को आप मैन्युअली फाइल कर लीजिए और अपना रेक्टिफिकेशन जो है एज पर जीएसटीआर 3B मैन्युअली फाइल्ड के ऑप्शन को लेकर के आप आगे का कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे व्यू पॉइंट ये है कि अगर आपकी भी ऐसी कोई गलती हो गई है और आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट है जिससे आपका काफी इंपैक्ट आ सकता है तो आप भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इसी प्रकार का जजमेंट ला करके आप अपने लिए जो आगे काम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ये जजमेंट समझ आ गया होगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनकी ये गलती हुई है ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और इस जजमेंट को समझ करके वो अपना जो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड कर पाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।